हेलो एंड वेलकम गाइस टू द व्लॉग और मांझी जू रांची और मांझी चिड़ियाघर रांची। तो गाइस मैंने और मांझी जू रांची का फुल व्लॉग ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और उस व्लॉग में मैंने ऑलमोस्ट सभी एनिमल्स और कुछ रेप्टाइल्स को भी दिखा दिया हूँ। और लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही थी इसलिए मैंने कुछ रेप्टाइल्स को सेपरेट कर लिया है। तो दोस्तों इस ब्लॉग में मैं आपको रांची का स्नेक हाउस दिखाऊंगा, इसे मैंने सेपरेट कर लिया था, वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही थी इसलिए। तो वीडियो में बने रहेगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ओके गाइस चलिए देखते हैं रांची और मांझी जू का स्नेक हाउस। भगवान बिरसा जैविक उद्यान और मांझी रांची सांप घर स्नेक हाउस, यह है भगवान बिरसा का स्टैच्यू और सामने है स्नेक हाउस। एंट्रेंस में गार्ड बैठा हुआ है और इधर लेफ्ट साइड में है टिकट काउंटर। चलिए फटाफट टिकट ले लेते हैं पर व्यक्ति 10 रुपये के हिसाब से। तो मैंने अभी टिकट ले लिया है 2 लोगों के लिए और अभी चलते हैं अंदर। और ये है गाइस इंडियन रॉक पाइथन अजगर, काफ़ी शांत स्वभाव का स्नेक है ये, एकदम शांत रहते हैं कहीं पर। और ये है गाइस धामन रेड स्नेक, इसका मुख्य भोजन होता है रैट चूहा, इसलिए इसे कहा जाता है रैट स्नेक। ये भागने में काफ़ी माहिर होता है, काफ़ी तेज भागता है, इसमें कोई जहर नहीं होता है, ये विषैला नहीं होता है। और यह है बैम्बू पिट वाइपर, ये भी दिखने में तो एकदम शांत लग रहे हैं बैठे हुए हैं लेकिन इसके बारे में उतना जानकारी नहीं है मुझे। और गाइस यह है दुमुहा, एकदम पिंजरे में सेफ रखा गया है इसको, ये दोनों साइड से भागते हैं और दोनों साइड मुंह जैसे दिखाई देता है। ये धारीदार क्रांट बैंडेड क्रांट, ये काफ़ी जहरीला सांप होता है दोस्तों और ये अधिकतर खेतों में पाया जाता है। और इसका भोजन होता है सांप, सांप को ही खाता है। और ये है गाइस ट्रिंकेट सांप, कॉमन ट्रिंकेट स्नेक, भारतीय नाग है इधर दोस्तों, देखिए साइज में काफ़ी बड़ा है लेकिन अभी तो कोने में बैठा हुआ है, इसका असली रूप नहीं दिखाया अभी तक। और ये है दोस्तों रसल स्वाइपर, ये काफ़ी जहरीला सांप होता है और बहुत तेज़ भागता है, हमेशा अटैक करने के लिए तैयार रहता है, इसे कहते हैं चीती। और ये है कॉमन क्रांट, ये अधिकतर दोस्तों हमारे गांव घर के पास पाया जाता है और ये हमारे घर के अंदर भी आ जाते हैं कभी कभी रात में। और ये है इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, कोने में इसका असली रूप देखिए, भारतीय नाग। बहुत सारे हैं यहाँ अंदर, ये विषैले होते हैं। तो गाइस स्नेक हाउस के अंदर कुछ सांपों का घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था जिसकी वजह से कुछ सांप वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन जो भी था आई होप कि यू एंजॉयड इट। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस।